अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उमर अख्तर फ्रॉम स्टॉक्स एंड इक्विटीज डॉट कॉम डॉट पी के। टूडे इज May 26, 2021। आपका KSE 100 इंडेक्स जंप बाय 1.11%, 511.65 पॉइंट्स एंड इट क्लोज्ड ऑन 46,812.31। आपका ट्रेडेड वॉल्यूम जो KSE 100 इंडेक्स का था वो 306.27 मिलियन शेयर्स का ट्रेडेड वॉल्यूम था। अगर आप देखिए KSE ऑल शेयर यानी पूरी मार्केट का वॉल्यूम तो इट क्रॉस्ड 1.56 बिलियन के अराउंड आपका एग्जैक्ट ट्रेडेड वॉल्यूम था पूरी स्टॉक मार्केट का। ये मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली हाईएस्ट वॉल्यूम है, फॉरगिव मी इफ आई एम रॉन्ग जी, ये हिस्टोरिकली हाईएस्ट वॉल्यूम इतना कभी नहीं देखा। अब इसमें मसला ये है कि 1.5 बिलियन की जो फिगर है, 1.56 बिलियन के ट्रेडेड वॉल्यूम की फिगर में 707 मिलियन का जो वॉल्यूम है वो WTL का था, ऑलमोस्ट हाफ, 1.5 का ऑलमोस्ट हाफ आप समझ लीजिए। और साथ ही हम नेटवर्क का ट्रेडेड वॉल्यूम था 112 मिलियन, तो इन दोनों का मिला के 825 मिलियन हो गया। अगर आप 825 मिलियन को 1.5 बिलियन में से माइनस कीजिए तो आपको मिल जाता है यही कुछ 700-750 मिलियन का वॉल्यूम। तो उस पे अगर हम मैं आपको आपको अभी KSE ऑल शेयर का इंडेक्स दिखाऊं तो ये है 1.5 बिलियन फिगर का, ये आप वॉल्यूम देख रहे हैं बाहर। और इससे पिछला जो सेशन का वॉल्यूम था 672 या उससे पहले का वॉल्यूम जी 766, तो ये मेरे ख्याल में वो ठीक है, मार्केट भी आपकी चल रही है, मगर ये है कि ज़्यादा जो ट्रेडेड वॉल्यूम आप देख रहे हैं मेजर कंट्रीब्यूटर्स आपके WTL और यही हैं आपका हम नेटवर्क। मगर बिसाइड्स दिस हम इसके आज टेक्निकल्स भी देखेंगे और मेरे ख्याल में एक आपको एक अच्छी बुल्स वापस आते हुए भी नज़र आ रहे हैं एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। हम आज WTL को अपनी सेकंड वीडियो में बड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, काइंडली डोंट मिस दैट। अभी फंडामेंटल्स की बात हो रही है, मैं थोड़ी सी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा फंडामेंटल्स। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी बड़े अच्छे इम्प्रूव हो गए पाकिस्तान की इकोनॉमी के, प्रोविजनल GDP जो एक्सपेक्ट की जा रही है आपके फाइनेंशियल ईयर इसकी जो एंड की वो होगी, कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि 3.94% तक हो जाएगी। अगर आप प्रोजेक्शंस देखें फाइनेंशियल ईयर 2021 की तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 3% एक्सपेक्ट करती थी, गवर्नमेंट 2.1% एक्सपेक्ट कर रही थी, वर्ल्ड बैंक 1.3 एक्सपेक्ट कर रहा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक 2% एक्सपेक्ट कर रहा था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड 1.5% एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर प्रोविजनल जो GDP वो 3.94% पे एक्सपेक्ट की जा रही है कि अराउंड इसके अराउंड डेटा होगा। और एक बहुत फेमस रिसर्च हाउस है वो कहते हैं कि जी 4.57% हो शायद आपकी GDP ग्रोथ रेट, तो इसको ये बड़ी अच्छी GDP ग्रोथ रेट होगी। मगर इस पर भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं कुछ के कि जी मे बी जो हमारा GDP कैलकुलेट करने का तरीका है दैट्स एन अनदर, और IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक किसी और तरह कर रहे हैं तो दैट्स एन अनदर बहस, एक और अलग डिबेट है, हम उस पर नहीं जाते। मगर अच्छे फंडामेंटल्स की अभी बात हो रही है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फिर आपकी 28 को ड्यू है मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी स्टेटस को वही 7% पे अनचेंज रहेगा। अगर वैसे वही रहता तो फिर देयर इज अनदर बूस्ट, मैक्सिमम 25 basis points की इंक्रीज की बात हो रही है कुछ लोगों की, वो भी बहुत कम रेशो से। तो आई थिंक सो अगर स्टेटस को रहता तो वो भी एक बूस्ट है आगे। आपको अगर हमें मिलती है थोड़ी सी वॉलीटिलिटी किसी फैक्टर से मिलती है तो वो हमें शायद बजट की वजह से मिलती है, मगर वो भी एक्सपेक्ट यही है कि शायद बजट भी पास हो जाएगा तो हमें शायद मार्केट को बूस्टिंग फैक्टर्स ही मिलते हुए नज़र आते हैं। कोविड कंट्रोल होता हुआ नज़र आ रहा है, इन्फेक्शन रेशोज डिक्रीज होती हुई नज़र आ रही हैं, तो ओवरऑल सिचुएशन कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है। GDP आपके सामने जो मैंने आपके डिस्कस किया कि इट्स वो एक अच्छी GDP की बात हो रही है। अब मैं आपको आज के इंडेक्स की तरफ लेके जाऊं तो सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर आपके पास TRG है जिसने इंडेक्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद आपके पास OGDC है अ वेरी गुड साइन, PPL है जिसने आज बड़ा मेजरली कंट्रीब्यूट किया, MCB, बैंक अल्फला, हबीब बैंक, निशात मिल्स। अगर आप देखिए तो मैं पहले पांच से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करने वाले इंडेक्स में हैं आज वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं। TRG को हम अब सट्टा आइटम नहीं कह सकते, इसकी अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छी, इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ था। सेम गोज़ फॉर OGDC, PPL, MCB, बैंक अल्फला, HPL, निशात मिल्स, बैंक एंग्रो, यूनिटी इज़ ऑल्सो अ गुड शेयर,
एंग्रो इज अ वेरी गुड शेयर, हपको, पीएसओ, यूबीएल, डीजी खान सीमेंट एंड सिस्टम्स लिमिटेड, आपके टॉप 10 KC 100 इंडेक्स में कंट्रीब्यूट करने वाले मेरे ख्याल में मैक्स सारे के सारे शेयर ही फंडामेंटली एक अच्छे शेयर हैं। सेक्टर्स को अगर आप देख लीजिए तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट है 7.92%, जिसने सबसे ज़्यादा इंक्रीज दिया आज आपको। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ TRG, AVN भी बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया, सॉरी हाँ जी, PTC, नेट नेट सॉल्व सिस्टम। उसके बाद जी आपका वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज बाय 1.87%, कमर्शियल बैंक्स वर्थ 1.13%, और इसके साथ आप ऑटोमोबाइल असेंबलर्स को भी देखिए तो 1%, आपकी तकरीबन सारी मार्केट ग्रीन में रही। सीमेंट आपका मियरली मियरली आप उसको फ्लैट ही समझिए, और इसके अलावा अगर टबैको अगर आप देखिए तो माइनर 0.46%, तो मेजरली आपकी जो मार्केट है परफॉर्म्ड वेल। आई एम गोइंग टुवर्ड्स माई टेक्निकल एंड ग्राफ्स नाउ। अब यहाँ पे देखिए तो इचिमोको आपका KC 100 इंडेक्स के लिए क्लियरली क्लियरली बुलिश हो चुका है, इट्स क्लियरली बुलिश थी, ये अब आपको अपवर्ड और आपको वो जो साइडवेज उससे अब निकल चुका है, इट्स गोइंग अपवर्ड, वो जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, आपको एक अच्छी इंडिकेशन नज़र आ रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की मैं अगर आपसे बात करूँ तो RSI आपका 65 पे खड़ा है, दिस इज एनफ मार्जिन के ये ऊपर जाके हमें आपको आपको काफ़ी कुशन है इसके पास ऊपर जाने के लिए। 70 पे भी अगर इट्स बुलिश रन तो ये सेटल नहीं करेगा, ऑब्वियसली ये अपना अवा बॉट में 70 से ऊपर ही जाके दिखा रहा हूँ, मे बी 75-80 पे, एज पर माई ओपिनियन इफ इट्स अ बुलिश रन तो बुल्स इसको जो अपनी करेक्शन या इसको फ्लैट सेशन देंगे तो मे बी 75 और 80 के RSI पे दे रहे हूँ। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपके साथ एवरेज ट्रू रेंज डिस्कस करना चाहूँगा। एवरेज ट्रू रेंज जो है जिसमें हम वॉलीटिलिटी डिस्कस करते हैं, दैट्स ऑन 535। ये जहन में रखिए कि हम इसको अगर पिछले भी एक जो प्रेशर जोन थी उसके साथ कंपेयर करें तो तब भी एवरेज ट्रू रेंज जब आपकी मार्केट प्रेशर में गई तो इट इंक्रीज टू 700 और उसी पॉइंट्स पे, और इस दफ़ा भी मार्केट जब आपकी प्रेशर में गई तो ये तकरीबन 700-800 के पॉइंट पे गई आपका एवरेज ट्रू रेंज की वैल्यू। और देखिए जब ये प्रेशर जोन से निकली है यहाँ पे तो उस दिन आपके RSI सॉरी एवरेज ट्रू रेंज की वैल्यू थी 579। आज आपके यहाँ पे निकलने के बाद आपके एक दो सेशन से पहले तो इसकी इसकी थी 560 एवरेज ट्रू रेंज की वैल्यू। हमें इस एवरेज ट्रू रेंज से भी फर्दर हमें वो मिल जाता है एंडोर्समेंट कि हमारा केसी 100 इंडेक्स प्रेशर जोन से निकल चुका है, और जैसे लास्ट टाइम प्रेशर जोन से निकला था एंड इट वेंट ऑन इट्स बुलिश रन तो ये एक और शायद बुलिश रन में जा रहा है। मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट ग्राफ, बोलिंजर बैंड अपने हाइस्ट बैंड पे हैं, ये जहन में रखिए। मे बी आपको शायद एक दो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको एक दो फ्लैट सेशन या इतने प्रोमिनेंट ग्रीन सेशन ना मिलें। अगर आप स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो स्टॉक हैस्टिक बेशक अपने अवर बॉट में है, तो ब्लू लाइन बेशक अवर बॉट में है मगर इट डजेंट मैटर फॉर इट, क्योंकि ये फिर भी अपने आप इसकी ब्लू लाइन अपवर्ड है। और अगर आप पिछली भी बुल रन में देखिए कि स्टॉक हैस्टिक अपने अवर बॉट में जाके भी इट स्टार्टेड अपने अवर बॉट में गया ऑलमोस्ट इन 2nd और 1st December, और ये 18 दिसंबर तक अपने अवर बॉट जोन में ही रहा क्रॉसिंग में, तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक हैस्टिक से कि ये भी अपने क्रॉसिंग बिहेवियर में चलता रहेगा। MACD क्लियर क्लियर बड़ी अच्छी डाइवर्जेंस के साथ आपको अपवर्ड डायरेक्शन दे रहा है, विलियम एलिगेटर आपको क्लियर अपवर्ड डायरेक्शन दे रहा है, कमोडिटी चैनल इंडेक्स अपने अवर बॉट के पास एंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 169, हाईएस्ट वैल्यू जो है आप इसकी 217 तक देख सकते हैं, तो ये इसके पास भी क्वेश्चन है इफ इट्स अ बुलिश रन जाने का। केसी ऑल शेयर को अगर आप देखिए तो केसी ऑल शेयर भी इज ऑन अ वर्ज ऑफ बिकमिंग क्लियरली क्लियरली बुलिश, तमाम लाइंस बड़ी शार्पली अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की, मगर क्लाउड को भी क्रॉस नहीं किया, मे बी आप इनको नेक्स्ट सेक्शन में क्रॉस करता हुआ इनका देख लेंगे। RSI केसी ऑल शेयर का इज 66 और सेम एज स्टॉक हैस्टिक उसी तरह क्रॉसिंग में अपने अवर बॉट पे है, ब्लू लाइन केसी ऑल शेयर की भी ऊपर है, तो आप अगले भी शायद आपको हमें एक अच्छा ग्रीन वीक का ये नज़र आता है। मैं अपने सेशन को कंक्लूड करूँ अगर तो इचिमोको इज बुलिश, MACD इज बुलिश, बोलिंजर बैंड्स को मैं न्यूट्रल रखूंगा डिस्पाइट इट्स इंडिकेटिंग करेक्शन, कमोडिटी चैनल इंडेक्स आपको न्यूट्रल रखूंगा क्योंकि करेक्शन, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के पास काफ़ी क्वेश्चन है तो आई एम अल्पोटेड इन बुलिश, स्टॉक हैस्टेक को भी मैं बुलिश रखूंगा क्योंकि हमने इस पर यही कंसेंसस कर रहे हैं
ये भी बेशक अपने ओवरबॉट जोन में है, मगर उसमें क्रॉसिंग में ये एज पर कंपेयर टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसके पास है कि ये उसको क्रॉसिंग की पैटर्न में ये वहाँ पे होवर करेगा और हमें एक अपवर्ड डायरेक्शन ही उसको सपोर्ट करेगा। विलियम्स एलिगेटर इज ऑल्सो बुलिश, हमें आगे की मार्केट ग्रीन और बुलिश इंडिकेट होती है। एवरेज टू रेंज इज 535 पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स की आप देखेंगे वॉलिटिलिटी ऑन एवरेज मार्केट में। सपोर्ट फॉर टुमारो, अगर आपकी मार्केट ग्रीन होती है तो 46,450, सॉरी मार्केट रेड होती है तो 46,456 पे फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड 46,100 एंड थर्ड इज 45,900। इन केस ऑफ ग्रीन तो 47,012 पे आप पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद 47,212 पे सेकंड रेजिस्टेंस है इन केस ऑफ ग्रीन, एंड थर्ड इज 47,567। दिस इज इट फॉर टुडे। डिस्क्लेमर एट द एंड, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, आई एम नॉट गिविंग यू एनी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, यू मेक मोर मनी इन स्टॉक मार्केट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।